अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल डूइंग गुड। आज की वीडियो में कुछ डिफरेंट कुछ स्पेशल होने वाला है और वो क्या है, मैं एक किचन अप्लायंस पे आज आपको रिव्यू दूंगी और जिसे मैंने कुछ दिन पहले ऑर्डर किया था उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, और हम उस पर रिव्यू भी देंगे और हम उस प्रोडक्ट को अनबॉक्स भी करेंगे। सो लेट्स जस्ट डू इट। सो हियर कम्स द प्रोडक्ट। मैंने ऑर्डर किया था हैंड ब्लेंडर डोलेंस का और इसका जो ये मॉडल नंबर है दिस इज़ DWHB-475W। और अब बस आई एम सुपर एक्साइटेड, इसको अनबॉक्स करते हैं साथ मिलके। सो अच्छा, इसे मैं साइड में रखूँ, पहले तो मैं आपको दिखाऊँ कि दिस इज़ अ यूज़र मेन्यू, तो बस ठीक है। और ये है जी वारंटी कार्ड, इसकी 1 ईयर की वारंटी है। और पहला पार्ट जो मुझे इसका मिला है इट्स दिस, ठीक है। और ये है जी इसका ब्लेड जहाँ पे अटैच होता है, अगर आप देखें दिस थिंग ये बड़ा शार्प सा है। और इसका मशीन चेक करते हैं। सो दिस इज़ द मशीन। मुझे कोई भी नई चीज़ जब आती है ना इतना अच्छा लग रहा होता है। सो ये इसकी जो है वो मशीन है और मैं बताती हूँ कि इसको हम अटैच कैसे करेंगे। सो हम इसे इस तरह से रखेंगे, ठीक है, और घुमाया और ये लॉक हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके 2 स्पीड वेरिएबल्स हैं तो वो हम देख लेते हैं कि आप अगर इसको ऑन करना चाहेंगे यहाँ से तो यहाँ से इसकी रेगुलर स्पीड चलेगी, और ये इसका टर्बो है तो यहाँ से आप इसको इसकी फास्टर स्पीड पे यूज़ कर सकते हैं। और ये बड़ा हैंडी सा है, बहुत मुझे तो कूल सी चीज़ लग रही है। और आगे देखते हैं एक और क्या चीज़ है लास्ट इसके अंदर। हाँ, ये इसका जार है, इसका जग है। सो इसको आप हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है वो 500 ml है। और बस आप इसे आपने इफ़ यू वांट टू मेक चटनी और रायता, आप हुमस बना रहे हैं, आप कोई भी इस तरह के सॉसेस बना रहे हैं, आप स्मूदी बना रहे हैं, तो आप सब कुछ इस जग के अंदर इस तरह से डायरेक्टली ब्लेंड कर सकते हैं। और अगर इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ इट तो आप इसे डायरेक्टली भी किसी भी और बर्तन में, सपोज़ अगर आपको दाल ग्राइंड करनी है या आपको हलीम करनी है, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसको निकाल के पहले एक जग में डालें और मैनुअल तरीके से करें। मेरे पास उसका कंप्लीट सेट रखा हुआ है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो थोड़ा सा टाइम सेविंग हो। पहले मैं काटूँ, वो एक चीज़ में डालूँ, फिर ब्लेंड करूँ, फिर उसमें से तीसरी चीज़ में निकालूँ, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि भाई हाथ में हो और जल्दी से बस घुटा जाए। सो दिस इज़ समथिंग जो मुझे बड़ा इजी लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स मेरी रेकमेंड कर रही थी, देर यूजिंग इट। और मेरे ख़्याल से हैंडी है, लाइट वेट है और प्राइस में भी लो है। 4860 का मैंने इसे परचेज़ किया है एंड आई एम सिंपली लविंग दिस प्रोडक्ट। तो जी ये टोटल चीज़ें हैं। अच्छा, लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई वो ये है कि अच्छा, इसके नीचे ये जो अटैच है ये इसका कॉर्क है, ठीक है। अगर आप इसी में कोई चीज़ बना के और फ्रिज में आप सेव करना चाहते हैं तो आप इस तरह कॉर्क लगा के इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, ठीक है जी। तो खैर, आई होप आप लोगों को मेरा आज का जो है वो प्रोडक्ट रिव्यू पसंद आया होगा। और ये आप मुझे बताइए कि आप किस तरह के किचन अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, क्या किचन अप्लायंसेस आपके लिए टाइम सेविंग होते हैं, आपके लिए इजी होते हैं, या अगर आप कोई भी हैंड मिक्सर यूज़ कर रहे हैं, हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं, तो आप कौन सी ब्रांड है जो उसको आप और लोगों को रेकमेंड करेंगे, आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो भी अप्लायंसेस मैं अपने किचन में डेली बेसिस पर यूज़ करती हूँ फॉर माई झटपट कुकिंग, तो मुझे ज़रूर कॉमेंट्स में बताइएगा और मैं अपने ज़रूर किचन के ओवरऑल और जो भी कूल से अप्लायंसेज हैं, मेरे पास बड़े मज़े के और बड़े लेटेस्ट गैजेट्स वगैरह हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल कम बैक विद अनदर ब्यूटीफुल कॉन्टेंट। अल्लाह हाफिज़।